हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। मामा अर्थ आईपीओ की दोस्तों लिस्टिंग आ चुकी है। कल अपने को आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी लिस्टिंग पर, और एक्सपेक्टेडली यही था 7 तारीख को लिस्ट होगा और वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। जीएमपी में कितनी तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है, और आज का 6 नवंबर का क्या करंट ग्रे मार्केट अपडेट है, सब पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आईपीओ के लिस्टिंग जो है अपने को कल होती हुई देखने को मिल जाएगी। T+3 नॉर्म्स के हिसाब से कल के दिन 9:45 पर प्री ओपन और 10 बजे ये इशू अपने को लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। रही बात दोस्तों इस आज के मार्केट की, तो मार्केट अभी वेल प्लेस जोन पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट लगभग 19400 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, और डेफिनेटली आज मार्केट में अच्छी तेज़ी आई है। तो कल अगर छोटी मोटी भी तेज़ी मार्केट में होती है तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो मामा अर्थ के शेयर होल्डर्स को पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। रही बात सब्सक्रिप्शन की, तो एज सच इतना कोई ख़राब सब्सक्रिप्शन नहीं था, 8 गुना के आसपास ही आईपीओ बढ़ता हुआ देखने को मिला था। ब्लू जेट हेल्थ केयर का भी आईपीओ कुछ इतना ही बढ़ता हुआ देखने को मिला था अपने को। एंड यहाँ पर ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो सबसे पहली वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com की, यहाँ पर 26 रुपये ग्रे मार्केट हो रही है 31 रुपये से। सेकंड वेबसाइट अपने पास दोस्तों चाणक्य की, यहां पर 31 रुपए ग्रे मार्केट है। थर्ड वेबसाइट अपने पास दोस्तों आईपीओ वॉच की, यहां पर 30 रुपए। और फाइनल वेबसाइट अपने पास आईपीओ सेंट्रल की, यहां पर 17 रुपए ग्रे मार्केट है। तो ओवरऑल 4 वेबसाइट्स अगर अपन एनालाइज करें तो कहीं पर तेजी, कहीं पर गिरावट, बट ओवरऑल अगर अपन मीडियन ग्रे मार्केट लेके चले तो आई थिंक सो 20 रुपए की ग्रे मार्केट के हिसाब से, 46 शेयर के लॉट के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 920 रुपए का मुनाफा आपका पर लॉट होता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, ज़्यादा रियलिस्टिक ग्रे मार्केट जो है वो मुझे ये नज़र आती हुई देखने को मिल रही है 20 रुपीज़ के आसपास। एंड लिस्टिंग की अगर बात करें तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है मुझे लगता है कि 330 से 350 की रेंज में आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। ज़्यादा फायर वर्क्स की उम्मीद जो है इस आईपीओ से नहीं करी जा सकती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है इस आईपीओ से रिलेटेड फैलती हुई देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस पर स्टॉप लॉस की, तो जहाँ पर भी दोस्तों आईपीओ लिस्ट होता है, अगर मान लीजिए 350 पर लिस्ट होता है तो 354 रुपये का आपका इस काउंटर में एसएल होना चाहिए। बाकी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 330 के अगर नीचे काउंटर आता हुआ देखने को मिले तो वो एक रेंज हो सकती है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन आपके और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का ही फाइनल डिसीजन जो होगा इस काउंटर के अंदर खरीदारी बिकवाली का होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू इन दिस वीडियो।